प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्रि के पावन अवसर पर जगत जननी माँ लालमयी फूलमयी माता जी की महिमा पर आधारित शक्ति आराधना पत्रिका 2024 का 10वां अंक माँ के चरणों में भेंट किया गया। वहीं उसके बाद खरगोन पुलिस कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना से शक्ति आराधना पत्रिका का विमोचन करवाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मीना ने शक्ति आराधना पत्रिका के प्रकाशन पर बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक पत्रिकाओं के प्रकाशन से माता की महिमा तो बढ़ेगी, साथ युवा पीढ़ी को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस अवसर पर पत्रिका संकलनकर्ता पत्रकार संजय जायसवाल, महेंद्र सोलंकी मौजूद थे। ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश शासन से अधिमान्य पत्रकार संजय जायसवाल द्वारा पिछले 10 वर्षों से शक्ति आराधना पत्रिका का संकलन किया जा रहा है। इसके साथ शक्ति आराधना पत्रिका आचार्य ओम प्रकाश जी शर्मा, देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर समिति अध्यक्ष जीवन लाल शर्मा, राजेंद्र सिंह मंडलोई, मुकेश पटेल, राकेश पटेल, नवरात्रि व भंडारा समिति अध्यक्ष धीरज मिश्रा, दिनेश बाबा, संजय सोनी, महेंद्र सोलंकी, राम यादव को भी भेंट की गई। इस अवसर पर आचार्य श्री शर्मा ने शक्ति आराधना पत्रिका की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है, इसे निरंतर जारी रखें। माता की पत्रिका से उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुँचती है। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पत्रिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मत है कि ये शक्ति आराधना पत्रिका से लोगों को माता जी के धाम के संबंधित समस्त कार्यों की, स्थान की महिमा की समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लोगों को यहाँ के सब जानकारी प्राप्त होकर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो रहा है और यहाँ अपने आप उसके वृद्धि, महिमा की वृद्धि उससे रात दिन बढ़ती जा रही है। क्या नाम लिखता? मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा, मानपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।